ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर विराजित ग्रही स्थितियां क्या परिणाम देने वाली है, किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सभी पहलू के बारे में जानकारी आपको देंगे, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता दें आपकी राशि के ऊपर वर्तमान समय में शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनिदेव कुंडली के अष्टम घर में विराजित हैं। इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों को पिछले 2 वर्षों से समस्याएं ज्यादा हो रही है। आर्थिक स्थिति को लेकर नकारात्मकता आपके जीवन में है। शनि की नीच दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है, तो कर्म क्षेत्र को लेकर भी समस्या बनी हुई है। परिवार को लेकर समस्या बनी हुई है और बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के वैवाहिक मामलों में समस्या है, क्योंकि वैवाहिक भाव के स्वामी ही शनिदेव माने जाते हैं, तो ढैया का प्रभाव है, तो रिश्तों को लेकर भी कुछ समस्याएं जरूर है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में उपाय भी बताएंगे। उससे पहले कर्क राशि वाले जातकों को इस 15 दिन के ग्रहों में परिवर्तन की जानकारी दे दें। 20 अक्टूबर तक मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, उसके पश्चात आपकी राशि में ही आ जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में रहेंगे और 15 दिन तक रहेंगे। राहु नवम घर में, केतु देव पराक्रम घर में यानी 3rd हाउस में रहेंगे। सूर्य देव 16 तारीख को परिवर्तित होंगे और आपके राशि के चतुर्थ घर में इनका गोचर होगा, हालांकि सूर्य के साथ बुध भी रहेंगे तथा शनिदेव आपके कुंडली के अष्टम घर में दर्शकों रहने वाले हैं। इस प्रकार का ग्रही बदलाव हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का 15 दिन क्या स्थिति दे रहा है। करियर के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो 20 तारीख को अपना परिवर्तन करके आपकी राशि में आएंगे। अगर आपके जीवन में पुराने समय से कार्य व्यवसाय को लेकर दबाव का सामना ज्यादा करना पड़ रहा था, द्वादश भाव में मंगल की वजह से अगर निर्णय आपके गलत हो रहे थे, इससे आपको निजात मिलेगी। प्रथम भाव में मंगल रहेंगे तो आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास देते हुए नजर आने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में व्यवसाय में बदलाव और व्यापार में सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। रिस्क लेने से आपको डरना नहीं है।
नकारात्मक विचारधारा को भी अपने वर्क प्लेस पर हावी ना होने दें। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, इस 15 दिन की समयावधि में धन भाव के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं, जो कि 16 तारीख को चतुर्थ घर में आके नीच के हो रहे हैं। तो आमदनी को लेकर अच्छी खासी बढ़ोतरी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य देव का चूंकि धन स्थान के स्वामी हैं, जो नीचस्थ अवस्था में हैं, तो इस समयावधि में बचत आप लोग नहीं कर पाएंगे, संचय की कमी रहेगी। कर्क राशि वाले जातक बृहस्पति के वक्री एकादश प्रभाव में लाभ भाव में रहने से अगर आप किसी नवीन आय के साधन के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, इसमें आपको शुभता जरूर मिल सकती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई नवीन आय का जरिया ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नवीन आय के स्रोत मिल सकता है। 15 दिन की समयावधि में परिवार को लेकर जानकारी दिया जाए, परिवार जीवन का अभिन्न अंग है। चतुर्थ भाव में 16 तारीख से ही नीचस्थ सूर्य का प्रभाव रहेगा और द्वितीय भाव में शनि का प्रभाव रहेगा। परिवार में सहयोग की कमी जरूर आपको रह सकती है, यानी परिवार में कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर परिवार के लोग कम सहयोग करेंगे। बाकी पारिवारिक तौर पर नवम घर एक्टिवेट है, तो ठीक ठाक समय रहेगा। परिवार में सात्विकता रहने वाली है। अगर आप प्रयास करेंगे तो भाई बहनों के साथ अगर संबंध खराब है, उसमें सुधार आपको मिल सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देव गुरु बृहस्पति, जिनका संबंध तीसरे भाव से बना हुआ है, तो इस समयावधि में आपकी मानसिक एकाग्रता और आपका साहस परिवार में ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगा, देने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, कुंडली का पंचम घर प्रेम जीवन और रिश्तों के लिए जिम्मेदार है। पंचमेश मंगल माने जाते हैं, 20 तारीख को आपकी राशि में आएंगे और आपकी राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। प्रेम जीवन में आपको अच्छा परिणाम जरूर मिलने वाला है, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें आपके तनाव का भी कारण बन सकती है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी ज्यादा मिल सकता है। इसके लिए कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना है कि मन के द्वारा आप अपने भावनाओं के द्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को आहत ना करें। रिश्तों में बराबर का सम्मान अगर आप देते हैं तो प्रेम जीवन विकसित रहेगा। 15 दिनों में वैवाहिक जीवन की जानकारी अगर आपको दिया जाए, कुंडली के वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, 20 तारीख से मंगल की उच्च दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर ही जा रही है, जो 30 तारीख तक जाएगी, यानी पूरे महीने के एंड तक जाने वाली है। अगर आपके जीवन में रिश्तों को लेकर कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी है, मतभेद है, तो इससे आपको निकलने के रास्ते 20 तारीख से मिलेगा। भले ही आपके मन में मंगल नीच के होकर क्रोध को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यही मंगल आपके सप्तम घर से संबंध बनाएंगे और देवगुरु भी संबंध बनाएंगे, तो वैवाहिक मामलों में कुछ है आपके जीवन में जो छोटे मोटे तनाव चल रहे हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। कोई बड़ी इच्छा की पूर्ति भी वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को होने वाली है। अगर आप किसी नवीन संतति की चाह में हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं संतति का सुख,
जातकों नहीं है तो उसके लिए समय अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, वक्री शनि अष्टम घर में विराजित हैं, ऐसे में इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हड्डी जनित बीमारी, पेट से जुड़ी हुई समस्या, गले में दर्द, ये सभी छोटी मोटी समस्या आपको इस समयावधि में होने का खतरा रह सकता है। सेहत के मामले में अगर आप सही दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति भी जरूर मिलने वाली है। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सभी अच्छी आदतें आपको सेहत के मामले में शुभता देगी। अगर आपको उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में दो खास बातों का ध्यान कर्क राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहला, अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से ना करें, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। आपको भगवान ने सबसे यूनिक बनाया हुआ है, इसलिए अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को विकसित करने का जरूर प्रयास करें, लेकिन अपनी तुलना ना करें। दूसरा, कर्क राशि वाले जातक चंद्रमा से प्रभावित राशि है, इसलिए चंद्रमा को बलवान रखना आवश्यक है। नकारात्मक विचारधारा आपके चंद्रमा को प्रभावित करती है, ऐसे में पॉजिटिव लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। नकारात्मक वातावरण में अगर आप समय बिताते हैं तो समय आपको चुनौतियां भी दे सकता है। अगर आपको उपायों की जानकारी दिया जाए, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभता देने वाला है और शिवलिंग पर जलाभिषेक करना आपको शुभ परिणाम देगा। कर्क राशि वाले जातकों को शनि जन्य दान करना शुभ परिणाम देगा। काली चीजें शनिवार के दिन जरूर दान करें, जैसे काला कपड़ा, छाता, काला जूता, काला चना, इनमें से किसी भी चीज का दान यदि आप सात्विक विचारधारा लेकर जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।